जी हाँ जी, थैंक यू सर। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अभी आती होगी। मुझे फोन किसने किया था? मैंने। किसका खून हो गया? प्रोफेसर खुराना का। तुम्हें कैसे पता लगा खून हो गया? वो उनकी शर्ट पे खून के निशान। तुम्हें ये कब पता चला कि उनका खून हो चुका है? आज ठीक 10 बजे उनका लेक्चर था। 10 बजने में 5 मिनट थे जब हम यहाँ पहुंचे। अंदर जाकर देखा, डेड बॉडी। बेल किसने बजाई थी? मैंने बजाई थी 2 बार। जब दरवाजा खोलने कोई नहीं आया तो हमने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुला पड़ा था। मैंने कहा था ना, ये जगह खतरनाक है। कल ये हादसा इस लड़की के साथ भी हो सकता था। अब तो पता चल गया ना कि मैंने झूठ नहीं बोला था। डेड बॉडी कहाँ है? अंदर स्टडी में। चलो ऐसा करो, आप लोग वापस अपने गेस्ट हाउस पहुंचो और गेस्ट हाउस से कोई भी इधर से उधर होने की कोशिश ना करे। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर इनमें से कोई भी गया तो मैं आपको पकड़ूंगा। समझ गया या दोबारा समझाऊं? जी समझ गया। मिसेस गिरी, बॉयज एंड गर्ल्स चलिए। पवार जी साहब, अंदर से कुर्सी कुर्सी लाया यार, मौसम बढ़िया हो रहा है बाहर। अभी ला रहा साहब। हीरो साहब, किचन में कोई चाय वाय का इंतजाम है कि नहीं? देखता हूँ साहब। सुन साहब, तूने बस का नंबर नोट किया था? आपने बोला ही नहीं। चाय गिरा तो बोला ना। लेके आता हूँ सर। साले जगह बहुत खूबसूरत है यार। चौकीदार, चौकीदार, हम मर गए ये। चौकीदार आया साहब। जी साहब। कहाँ गए थे? मैं तो यही था साहब। वो लड़की रीटा वापस आई? नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया। पर आप लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आप लोग तो दोपहर के बाद आने वाले थे ना। प्रोफेसर खुराना का मर्डर हो गया। क्या हो गया? खून हो गया। खून? हाँ, तुम बता सकते हो प्रोफेसर साहब को किसने मारा? मुझे क्या पता साहब, घर तो उनके आप लोग गए थे। आपने पुलिस को बताया ना? हाँ बताया। आप सब लोग काफी घबराए हुए होंगे। चलिए मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। तुझे क्या लगता है
किसने मारा होगा प्रोफेसर खुराना को? यार मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि प्रोफेसर खुराना को किसने मारा है। मुझे चिंता है तो सिर्फ रीटा की, वो कहाँ है? मैंने अंदर बाथरूम तक चेक कर लिया है, रीटा कहीं नहीं मिली। मिस्टर मेहता गए हैं पता करने के लिए। लो वो आई गए। क्या हुआ सर, रीटा का कुछ पता चला? नहीं, रीटा का भी कुछ पता नहीं लगा। हमें रीटा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था सर। हमारे लिए प्रोफेसर खुराना से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रीटा। हमारे साथ आई थी वो, और सर आप उसे ही छोड़ के चले गए। हमारे ग्रुप का एक मेंबर गायब है, आपने उसे ढूंढने के बजाय प्रोफेसर खुराना के घर जाने का डिसीजन ले लिया सर। प्रोफेसर खुराना के पास जाने का डिसीजन नहीं लेता तो क्या करता? मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोफेसर खुराना समय के बड़े पाबंद है। इंस्पेक्टर को ये क्यों नहीं बताया कि रीटा मिसिंग है? आपको बता देना चाहिए था सर। प्रोफेसर खुराना की लाश देखकर मैं सब कुछ भूल गया था। स्टूडेंट को भूल गए थे। शेम ऑन यू प्रोफेसर, शेम ऑन यू। प्रोफेसर मेहता फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। क्या करेगी पुलिस? क्या करेगी पुलिस? क्या आप जानते नहीं पुलिस के बारे में? बहुत हो चुका, बहुत हो गया। मेरा कंसर्न रीटा के लिए है, वो मेरी दोस्त है, गायब है ना, तो मैं एमडी को फोन करूंगी। ऐसे किसी आदमी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर रीटा का पता नहीं लगा तो मैं खुद इंस्पेक्टर से बात करूंगा। क्या बात करेंगे सर, क्या बात करेंगे आप? जब आपने पुलिस को अब तक कुछ नहीं बताया तो बाद में क्या बताएंगे? मैं अभी एमडी को फोन करने जा रही हूँ सर। ठहरो, ऐसे किसी भी आदमी के पास जिसे हम नहीं जानते जाने से बदनामी होगी। अगर आप किसी को नहीं जानते तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं एमडी को अच्छी तरह से जानती हूँ। He is the chief detective of DSQ. Yes, I know him very well. तुम जाकर फोन करो, हम देखते हैं कौन रुकेगा। बिल्कुल। हाँ जाओ। जाओ ना। संभालते हैं सब। कमाल हो गया, ये तो बिल्कुल हद्दी हो गई है। कैसा बोल गए? कमाल से लड़की गायब हो गई तो सोच रहे हैं इंस्पेक्टर को बताना। मैं जाके बोलूँ। हेलो एमजी, मैं फिरोजा बोल रही हूँ। यहाँ पर एक कत्ल हो गया है, आप फौरन आ जाइए। सब चाय। अबे चीनी मुफ्त की मिल गई तो थोक में डाल दी। सॉरी साहब, मैंने तो दो ही चम्मच डाले थे। दो चम्मच के दो चमचे? अला चाय की लस्सी बना ला। चल यार, मेरे ये बात समझ में नहीं आती, ये बड़े लोग इतनी सुनसान जगह में अपना घर क्यों बसाते हैं? साहब एम्बुलेंस बुला लो। साहब फिंगरप्रिंट वालों को फोन कर दूं? अरे चुप, तुम लोग क्या मेरी परेड कराना चाहते हो? मेरी ड्यूटी 5 बजे तक है, अभी बुला लेंगे तो वापस थाने जाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए इस बदबू से बच के हवा में बैठा हूँ, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाम को बुलाएंगे, अब मरने वाले ने दोबारा तो जिंदा होना नहीं। साला खुद तो मर गया, ऊपर से आफत हमारी। ए सामने सेट हवा न दे। हाँ फिरोजा, किसका कत्ल हुआ? प्रोफेसर खुराना का। प्रोफेसर खुराना का कत्ल हुआ यहाँ? यहाँ पर नहीं, उनके घर पर। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एमडी मेरी एक सहेली है रीटा, आज सुबह से वो गायब है। गायब है मतलब? सुबह जॉगिंग करने के लिए गई थी, वापस लौट कर आई नहीं। आप सब लोग सुबह प्रोफेसर के यहाँ गए थे? हाँ। ये लड़की क्या नाम आता था इसका? रीटा। रीटा, रीटा के बिना गए थे? हाँ, प्रोफेसर मेहता ने कहा चलो। प्रोफेसर मेहता कौन है?
Myself, Professor V.K. Mehta. Mohandas B. L.L.B. सबसे पहले प्रोफेसर खुराना की लाश किसने देखी थी? मैंने. कहाँ पे? स्टडी में. कितने बजे? ठीक 10 बजे. पक्का याद है आपको ठीक 10 बजे थे? जी, हम वहाँ ठीक 10 बजे पहुँच गए थे. वैसे पुलिस वहाँ पहुँच चुकी है. ओ. कुमार सर, कांस्टेबल पुरी को फोन लगाना. सर. कमिश्नर पुरी. सर, मोहनदास बीएलबी स्पीकिंग. आई एम फाइन सर. प्रोफेसर खुराना का कत्ल हो गया है. जी हाँ, मुझे मालूम है आप जानते होंगे. जी हाँ, मडालैंड वाले. मैं इस केस की तफ्तीश करना चाहता हूँ. इजाजत. थैंक यू सर. यहाँ से कोई नहीं जाएगा. मेरा एक आदमी यहाँ पर रहेगा. यादव सर, यहीं रहोगे तुम? राइट सर. कुमार सर, प्रोफेसर खुराना हाउस. सर, मैं डोंट डिस्टर्ब. क्या नाम बताया साहब का? मोहनदास बी एल एल बी. से चाकू से कत्ल किया गया है. करीबन एक इंच विड्थ होनी चाहिए उसकी. ऐसा चाकू किसी के पास भी हो सकता है. प्रोफेसर साहब का एक जूता भी मिसिंग है. चाय के दो कप. कुमार सर, नोटिस किया तुमने? इस कप पे लिपस्टिक के निशान है. मतलब कोई लड़की आई थी प्रोफेसर साहब के पास. प्रोफेसर साहब अकेले नहीं थे, उनके अलावा भी यहां पर कोई था. ये किताब और ये चश्मा, शायद जो भी आया था उसे प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे. हालांकि प्रोफेसर की डेड बॉडी हमें यहाँ स्टडी के अंदर मिली है, लेकिन कत्ल बाहर किया गया. मिट्टी के निशान साबित करते हैं कि कोई इनकी बॉडी को बाहर से खींच कर अंदर तक लाया. कुमार सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. प्रोफेसर खुराना की तरह कहीं रीटा का भी? ए, चुप कर. तू समझ रही है तू क्या बोल रही है? रीटा का पता किए बगैर हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था. प्रोफेसर मेहता कोई जल्दी थी, कहीं उन्होंने तो रीटा को उस खोपड़ी का क्या हुआ जो प्रोफेसर मेहता ने चौकीदार को दी थी? हाँ, दोबारा नजर नहीं आई ना. हाँ, खोपड़ी भी गायब है और रीटा भी. मुझे नहीं लगता वो इंस्पेक्टर कुछ करेगा.
आई थिंक हमें रीटा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, जब तक एमडी कुछ नहीं कहता हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों ने एक बात नोटिस की है? क्या? जब से हम लोग प्रोफेसर खुराना के घर से लौटे हैं ये निंदी कुछ नहीं बोला। हाँ यार, यस। हाँ मांडे सर, ये प्रोफेसर के कत्ल के बारे में तुम्हें किसने बताया था? सर, ये यूथ गेस्ट हाउस में लड़के लड़कियों का एक ग्रुप आया हुआ है, उन्हीं के साथ एक प्रोफेसर भी है, उसने मुझे थाने में फोन किया था। सर, जब तुम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे और कौन कौन था? सर, उस कमरे में प्रोफेसर खुराना की लाश थी, यहाँ लड़के लड़कियाँ और वो प्रोफेसर था। उनसे पूछताछ करने के बाद मैंने प्रोफेसर की जिम्मेवारी पर उन्हें वापस गेस्ट हाउस भेज दिया था। सर, तुमने फिंगरप्रिंट्स वालों को और एम्बुलेंस वालों को बुलाने की जरूरत महसूस नहीं की? वो मैं सर बुलवाने जा ही रहा था, तभी कमिश्नर साहब का फोन आ गया कि आप आ रहे हैं। हमारे आने के इंतजार में तुम यहाँ बैठे बैठे चाय पीते रहे। इस इलाके में इस तरह का कोई हादसा पहले हुआ है क्या? सर, 3 महीने पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था जिसकी डेड बॉडी बिना सर के मिली थी और उसके बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं था। 3 महीने पहले एक लड़की का कत्ल हुआ था जिसका बदन बिना सर के मिला था, जिस पे कोई कपड़ा नहीं था। इस केस में कोई अरेस्ट हुआ? सर, पूछताछ तो कई लोगों से की गई थी पर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। सर, उसके बाद इस केस की फाइल भी बंद हो गई थी। ठोस सबूत पांडे, ठोस सबूत हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद ब खुद हासिल नहीं हो जाते। एक आदमी का निकम्मापन पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देता है। पर सर, उस केस को किसी ने पुश ही नहीं किया सर, और उस लड़की की तरफ से भी कोई सामने नहीं आया। पुश नहीं किया? एक इंसान जिसका दुनिया के अंदर कोई ना हो, अगर उसका कत्ल हो जाए, वो मर जाए, तो उसकी डेड बॉडी तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए कैसे आएगी मैडम? ये फाइल खुद ब खुद बंद हो गई थी या किसी खास वजह से तुमने बंद कर दी थी? सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शक करना तो मेरा पेशा है पांडे, मैं खुद तक को नहीं छोड़ता हूँ जब तक कि असली मुझे सामने ना आ जाए। आज रात तक उस लड़की की फाइल जिसका कत्ल 3 महीने पहले हुआ था मेरे तक पहुंच जानी चाहिए। पहुंच जाएगी सर। जा सकते हैं आप। सर, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो प्रोफेसर? मैं नर्वस हो रहा हूँ? आई एम नॉर्मल। कहीं वो खोपड़ी तो नहीं दोबारा देख ली आपने? कौन सी खोपड़ी? वो ही जो बस में मिली थी और आपने चौकीदार को दे दी। मुझे तो किसी और ही बात का डर है, कहीं उसी खोपड़ी ने तो नहीं रीटा को गायब कर दिया? मिसेस गरीब पढ़ी लिखी होकर आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पुल पर रीटा अकेली थी और आप थे उसके पास, है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं थी वहाँ, सब देख रही थी, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे। मैं देख रहा था? हाँ, कैसे बेइज्जती की थी उसने आपकी, मेरे होते हुए आपको उसकी तरफ देखने की क्या जरूरत थी? मुझे तो किसी और ही बात का डर है। किस बात का? उसके जाने के बाद जो आपकी आंखों में गुस्सा था, अगर मोहनदास को कल के बारे में पता चल गया तो जानते हैं क्या होगा? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्लोरोफॉर्म। एक बात तो है कुमार सर, कि बॉडी को खींच के इस दरवाजे से अंदर ले जाया गया और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। वहाँ दरवाजे तक बॉडी को शायद उल्टा खींचा गया था क्योंकि खून के निशान है वहाँ तक,
और उसके बाद शायद पलटा गया है बॉडी को और पीठ के बल अंदर खींचा गया है, क्योंकि अंदर खून का निशान नहीं है। बड़ी से सर, मुझे लगता है कि प्रोफेसर ने लड़की के साथ मिसबिहेव किया होगा और दोनों के बीच हाथापाई हुई होगी। हाथापाई के दौरान प्रोफेसर का खून हुआ होगा और उसके बाद लड़की प्रोफेसर की बॉडी को खींच कर अंदर ले गई होगी। लड़की प्रोफेसर की बॉडी को खींच कर अंदर ले गई होगी। आई डोंट अग्री विद यू कुमार, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ हो सकता है जैसा तुम कह रहे हो। उसकी तीन वजह हैं मेरे पास। वजह नंबर एक, कोई भी लड़की प्रोफेसर के पास उससे मिलने के लिए आती है अपने साथ क्लोरोफॉर्म लेके क्यों आएगी? नंबर दो, अपने साथ चाकू लेके क्यों आएगी? नंबर तीन, वो प्रोफेसर के साथ बैठ के चाय पीती है, अगर वो कत्ल करना चाहती है प्रोफेसर का तो अंदर ही कर सकती थी। लेकिन सपोज अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि प्रोफेसर उसको बाहर छोड़ने के लिए आता है और यहाँ पे इस स्पॉट पे उसके साथ मिसबिहेव करता है और लड़की उसको उसको चाकू मार देती है, हालांकि इट सीम्स वेरी वेरी फारफेच्ड, फिर भी इस पॉसिबिलिटी को ट्राई कर सकते हैं। सर एस एस सर राठौड़ सर ना लेट जाओ राठौड़, तुम प्रोफेसर की डेड बॉडी की तरह हो, ओके? सर। एसएस। सर। राठौड़ को पैरों से खींचने की कोशिश करो। यू आर अ डेड बॉडी राठौड़। कम ऑन एसएस, ट्राई। पूरी ताकत लगाओ, कम ऑन, जोर से। कोशिश करो एसएस, कोशिश करो। ट्राई, पूरी ताकत से। ओके इट्स ओके, राठौड़ उड़ जाओ। व्हाट डू थिंक, क्या लगता है आप लोगों को, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल सर। इसका मतलब है वो लड़की प्रोफेसर की बॉडी को खींच के अंदर नहीं ले जा सकती, राइट? राइट सर। जहां तक मेरा ख्याल है, क्या हुआ हो सकता है यहाँ, अगर हम हमारे आसपास जो चीजें हैं उन पर गौर करें, यहाँ देखिए, यहाँ लड़की के घर के अंदर जाने के पैरों के निशान हैं और घर से वापस लौटने के पैरों के निशान हैं। वो उस तरफ के दरवाजे से अंदर गई थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद लड़की के पैरों के निशान नहीं। उसके बाद यहाँ आगे ये ब्लड का पैच है, उसके बाद यहाँ घास जिस तरह से दिखाई दे रही है उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कुछ हाथापाई वगैरह हुई हो सकती है। वहाँ कहीं हमें क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ रुमाल मिला है और वहाँ कहीं लड़की का है बैंक। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो शायद हुआ होगा वो कुछ इस तरह से हुआ होगा। लड़की प्रोफेसर से मिलने के बाद उस दरवाजे से इधर आती है और यहाँ कोई आदमी, कोई तीसरा आदमी पहले से खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में क्लोरोफॉर्म का शायद वो रुमाल था। उसने लड़की को जैसे ही छुआ, लड़की चीखी। उसकी चीख सुन के प्रोफेसर साहब उस दरवाजे से बाहर आने के बजाय इस दरवाजे से बाहर आते हैं और पीछे से उस आदमी को पकड़ते हैं। वो आदमी पलटता है और चाकू से प्रोफेसर साहब पे वार करता है। प्रोफेसर साहब यहाँ गिर जाते हैं, लड़की क्लोरोफॉर्म की वजह से बेहोश हो चुकी है। उसके बाद वो आदमी प्रोफेसर साहब को पैरों से पकड़ता है और उनकी बॉडी को खींच के अंदर स्टडी के अंदर लेटा देता है। फिर यहाँ वापस आया और वापस आके उस लड़की को उसने अपनी गोद में उठाया, क्योंकि इसके बाद लड़की के पैरों का निशान नहीं है। शायद ऐसा हुआ हो सकता है। कुमार सर, अंदर जो चाय की प्यालियां हैं कुमार, खासतौर पे वो प्याली जिसके ऊपर लिपस्टिक के निशान, उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठवा लो। सर मगर उस लड़की के दूसरे फिंगरप्रिंट्स तो हमारे पास है नहीं। आई एम श्योर कुमार, उसका बैग तो होगा जहाँ वो रह रही थी वहाँ पर, उसमें से हमें उसके दूसरे फिंगरप्रिंट्स मिल जाने चाहिए किसी ना किसी चीज़ पर। राइट सर। एक चीज़ समझ में नहीं आई, वो लड़की प्रोफेसर खुराना से मिलने बाकी ग्रुप से पहले क्यों आएगी? सुन बोल, जरा सिगरेट देना। सिगरेट? मैं सिगरेट कहाँ पीती हूँ यार, स्नेहा तू हर से मंगा लेना। मैं उसे बताना नहीं चाहती। ना देना, मुझे पता है तू पीती है, देना। I'm tense यार। जला।
स्नेहा एमडी को पता नहीं चलना चाहिए प्लीज। ठीक है तू भी हर्ष को नहीं बताना। हाँ ओके। अच्छा स्नेहा तुझे किसी पे शक है क्या? निंदी पर। निंदी पर? क्यों? क्या क्या है निंदी ने? कल रात रीटा के पास एक पर्ची आई थी, रीटा ने मुझे पढ़वाया था। पर्ची में क्या लिखा था? लिखा था या तो तू पूल पर आ जा नहीं तो मैं कमरे में आता हूँ। फिर रीटा पूल पर जाने के लिए खड़ी हुई। मैंने उसे बोला वहां मत जा, निंदी से दुश्मनी मत ले। तो बोली मुझे किसी की परवाह नहीं है, वो अगर दादा है तो मैं भी किसी से कम नहीं, बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ा है, अब नहीं पड़ेगा। फिर वो पूल पर चली गई। फिर पूल पे क्या हुआ? फिर पूल पे आई डोंट नो, थोड़ी देर बाद वो लौट कर आई और अपने बिस्तर में सो गई। फिर मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो निंदी बस के पास खड़ा था। फिर उसके हाथ में चाकू था। चाकू? तू रो मत बाबा, अब एंडी आ गया है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसको कुछ नहीं होगा। यार तुम लोगों को पता नहीं कल रात क्या हुआ था। क्या हुआ? कल रात एक और पर्ची आई थी। हा? जब मैं टॉयलेट के लिए उठी थी ना तब तू रो मत, पता फिर क्या पता। मैंने कल रात पर्ची फेंकने वाले को देख लिया था और उसने भी मुझे देख लिया था। अरे मगर पर्ची किसने फेंकी, किसने तुझे देखा? निंदी ने। निंदी? मनोज जरा वाला सिगरेट का पैकेट दियो। मैं क्यों दूं? खुद ले लो। अबे निंदी को जवाब देता है, पलट के बोलता है मुझे मुझे पता नहीं निंदी क्या चीज है। अबे सबको अपना नौकर समझता क्या? देख कल तक मैं तुझे निंदी भाई कहता था, तेरी बहुत इज्जत करता था, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, लेकिन जब से रीटा गायब है ना तू मेरे लिए कोई भाई भाई नहीं है, निंदी है सिर्फ निंदी। और रीटा ने तुम्हें स्विमिंग पूल पे थप्पड़ मारा था ना, ये बात अगर मैं उस डिटेक्टिव को बोल दूं जो इंक्वायरी कर रहा है तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुझे कैसे पता कि रीटा ने मुझे थप्पड़ मारा था? जब मारा था ना मैं वहीं था, और वो पर्ची जो तुमने उसको लिखी थी और बाद में स्विमिंग पूल पर फेंक दी थी वो मेरे पास है। तेरे पास? हाँ, उस रात रीटा से थप्पड़ खाने के बाद तो पूरी रात कमरे में नहीं आया था, याद है ना? अब अपनी ये दादागिरी बंद कर, और आज के बाद अगर तुमने मुझ पर रौब झाड़ने की कोशिश की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? बाय द वे निंदी भाई तुम्हारा चाकू कहाँ है? शिट। के नीचे छिपा रहा था, इसका मतलब बस में खोपड़ी तूने रखी थी? नहीं उस्ताद जी, एक तरफ लड़की गायब है और दूसरी तरफ प्रोफेसर खुराना का खून हो गया है, ये खोपड़ी हर वक्त मेरे सामने पड़ी रहती थी।
ठीक से सो भी नहीं पा रहा था मैं, इसलिए छुपा दी। झूठ बोल रहा है तू, 3 साल से जानता हूं तुझे चक्कू, सच बता लड़की को तूने गायब किया है? अरे मैं क्यों गायब करूंगा? दिल आ गया होगा तेरा, तेरी शादी भी तो नहीं हुई। मैंने ठीक से देखा है नहीं उसे, दिल क्या आएगा मेरा? ठीक से देखा नहीं, कल रात को पूल पे क्या करने गया था तू? अबे बोल, कल रात को पूल पे क्या करने गया था? तू मरेगा जुक्को। सर, उषा चौहान मर्डर केस की फाइल। एसएस सर, फाइल खोलो। ये इंस्पेक्टर पांडे, फाइल लेके क्यों नहीं आया? सर, उससे पूछा तो उसने बोला फाइल मिली नहीं। अब तुमने ढूंढा और मिल गई? सर। गुड कुमार। हाँ एसएस, क्या लिखा है? सर, 3 महीने पहले उषा चौहान का मर्डर हुआ था और मर्डर से पहले रेप किया गया था। सर, मर्डर से पहले रेप किया गया था? बॉडी जब मिली तब सर धड़ से अलग था और जिस्म पे कोई कपड़े नहीं थे, राइट? सर। किस हथियार से कत्ल किया गया? चाकू से सर। चाकू? प्रोफेसर खुराना का कत्ल भी चाकू से किया गया? अगर प्रोफेसर खुराना और उषा चौहान के कत्ल में कोई ताल्लुक है तो ये जो लड़की रीटा गायब हो गई है, इसकी इज्जत और इसकी जान दोनों खतरे में। डियर रीटा, तुम्हारे कॉलेज का ट्रूप 5 अगस्त को यहाँ आ रहा है, तुम्हारे कुछ सवाल हैं जो तुम मुझसे जानना चाहती हो। चाहो तो सुबह उन लोगों से पहले आ सकती हो, चाय पे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्रोफेसर खुराना, इसका मतलब प्रोफेसर खुराना और रीटा के बीच में खतो किताबत तो थी। कुमार सर, ये लिपस्टिक निकली है इसके बैग से, चेक कराओ। सर, मेरे ख्याल में वही रंग होना चाहिए जो हमें वहाँ मिला था प्रोफेसर खुराना घर पे एक चाय की प्याली के ऊपर। सर जी, मीट प्रोफेसर खुराना 8 AM। एक पर्ची भी है। सुबह तक अपनी मौत का इंतजार करो, ये पर्ची तुमने लिखी है? कि नहीं, मैंने नहीं लिखी। नंदी, नंदी नाम है ना तुम्हारा? जी, निरंजन ठाकुर। निरंजन ठाकुर, देखो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मैं पहली बार किसी से सवाल पूछ रहा हूँ। अमूमन जब मैं सवाल पूछता हूँ तो लोग सच जवाब दे देते हैं, और जब नहीं देते तो ये जो लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, यहाँ खड़े हुए, मैं उसको उनके हवाले कर देता हूँ, उसके बाद वो सच बोलने लगते हैं। अब तुम तय कर लो, तुम यहाँ मुझे सच जवाब देना चाहते हो अभी या बाद में उन लोगों को बताओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में। ये पर्ची तुमने लिखी थी या नहीं? जी मैंने लिखी थी। तुमने लिखी थी, किसको लिखी थी ये पर्ची? रीटा को। रीटा को, सुबह तक अपनी मौत का इंतजार करो, ये लिखा था तुमने रीटा को, और रीटा गायब। तुमने रात ही में उसका कत्ल कर दिया था या कहीं छुपा कर रखा? मैंने उसका कत्ल नहीं किया सर। मतलब कहीं छुपा कर रखा? नहीं सर। तो रीटा कहाँ है? पता नहीं सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? TY साइंस। कितने सालों से हो इसी क्लास में? 2 साल से। ये प्रोफेसर खुराना के लेक्चर अटेंड करने के लिए तुम पहले भी यहाँ आए हो? जी हाँ सर। हाँ आई सी। ये पर्ची तुमने रीटा को क्यों लिखी? सर वो रीटा ने रात को पूल पे मुझे थप्पड़ मारा था। तुमने बदतमीजी की होगी उसके साथ? जी नहीं सर। तो फिर उसने थप्पड़ क्यों मारा? सर मैंने उसे पूल पर बुलाया था मिलने के लिए,
और उसने आते ही चाहते हो तुम रीटा को? रीटा भी तुम्हें चाहती है? आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो लड़की आपको ना चाहती हो तो ये बर्दाश्त कर पाना जरा मुश्किल हो जाता है ना, खास तौर पे तुम्हारे जैसे इंसान के लिए जिससे बाकी सब लोग डरते हैं। इज्जत बचाने का एक ही तरीका था, कत्ल। नवाज सर, नजर रखना इस पे। सर जा सकते हो तुम। आपका नाम? प्रोफेसर वी के मेहता। वी के मेहता, शादी हो चुकी है आपकी? जी। कितने बच्चे हैं आपके? चार। बीवी का नाम? मधु। आप इस गेस्ट हाउस में पहले भी आए हैं? तीसरी बार। कितने दिन पहले आए थे? लगभग 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? ओह आई सी। ऐसे ही लड़के लड़कियों का ट्रूप लेके आए थे? जी, मैं अक्सर लड़कों का ट्रूप लेकर आता हूँ। अच्छा, जब आप लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से आप सीधे वापस चले गए थे या एक आध दिन यहाँ मुंबई में आपने बिताया था? यहाँ मेरे अंकल रहते हैं, मैं उनके पास रुक गया था। ओह आई सी। इस बार भी रुकने का इरादा था आपका? मैं हर बार रुकता हूँ। हर बार रुकते हैं, आई सी। इसका मतलब है आप जानते हैं कि जगह काफ़ी ख़तरनाक है? जी। लड़की रीटा गायब हो गई, ये बात आपने इंस्पेक्टर पांडे को नहीं बताई? आपने बस में लड़के लड़कियों को भरा और प्रोफेसर खुराना के यहाँ पहुँच गए? जी, प्रोफेसर खुराना टाइम के बाद पाबंद हैं, अगर हम लेट हो जाते तो उनका लेक्चर कैंसिल हो जाता। प्रोफेसर खुराना के वक्त की पाबंदी रीटा की जान से ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे, ये लड़की रीटा है कैसी? बहुत ही बदमिजाज और ज़िद्दी लड़की है। मैं पहले से जानता था उसके साथ कुछ ना कुछ होगा। परसों रात पुल पर नहाती रही। पुल पर नहाती रही? जी। वो पुल पर नहा रही थी, अकेली थी या कोई और भी था? अकेली। अकेली जी, वो अकेली पुल पर नहा रही थी, ये बात आपके अलावा यहाँ पे और कौन जानता था? मिसेस गिरी। मिसेस गिरी? मिसेस गिरी पुल पे क्या कर रही थी? जाहिर है आपको देख रही होंगी। ये आप पुल पे क्या कर रहे थे? देखिए प्रोफेसर मेहता, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस रात पुल पर आप आखिरी आदमी थे जो देखे गए। मैं उसे बुलाने गया था। आप रीटा को सिर्फ बुलाने गए थे? जी। पक्का? जी श्योर। यस सर। देखिए, मैं अध्यापकों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुजरिमों के लिए मेरी नफरत इतनी शदीद है कि बाकी सब जज्बात उसमें गुरूब हो जाते हैं। आप भी मेरे शक के दायरे से बाहर नहीं हैं, फिलहाल आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? रंगा प्रताप सिंह, कितने सालों से बस चला रहा है? 5 साल हो गए जी। 5 साल से यही बस चला रहा है? जी हाँ, शुरू से इसी बस पे। कोई हथियार वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? हथियार? हमें हथियार की क्या जरूरत है साहब? भाई हाईवे पे बस चलाते हो, कभी भी कोई हादसा हो सकता है? उसके लिए तो गाड़ी में वो रॉड वगैरह रहती है ना जी। ओ, रॉड वगैरह रहती है, तो कभी रॉड का इस्तेमाल किया? नहीं जी, कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमारा आज तक झगड़ा नहीं हुआ जी किसी से। ओ, झगड़ा? अच्छा, ये लड़के लड़कियाँ जिनको तुम वहाँ पूना से लेके आए हो बस के अंदर, बस के अंदर इनके बीच कोई हादसा हुआ या कोई टेंशन वगैरह? ना जी, कोई टेंशन नहीं, बल्कि सभी लोग गाने वाने गाते हुए हैं जी। कोई ऐसा था जो गाने नहीं गा रहा था? नहीं जी, सभी गा रहे थे। अच्छा, कल सुबह क्या हुआ था? कल सुबह थोड़ी टेंशन हुई थी जी, कोई लड़की नहीं थी, मास्टर जी ने उसको ढूंढा, वो मिली नहीं। फिर मास्टर जी ने सबको गाड़ी में बिठाया और मुझे बोले कि चलो, तो मैं उनको लेके चला गया। वहां जाके पता चला कि शायद किसी का खून हो गया जी। और कोई बात है, कोई अजीब बात तुम्हें लगी हो जो तुम मुझे बताना चाहो? साहब, वो लड़का ना जिससे आप अभी बात कर रहे थे, कौन? वो नंदी? हाँ जी। परसों रात को बस में सोया हुआ। ओ, बस में सोया? हाँ, तुम्हारी बस में से एक खोपड़ी भी तो मिली थी, वो कहाँ से आ गई? जी हाँ साहब, मिली तो थी, इन्हीं बच्चों में से किसी की शरारत होगी, और कौन रखेगा साहब। अब कहाँ है वो खोपड़ी? वो तो मास्टर जी ने चौकीदार को दी थी संभाल के रखने के लिए। चौकीदार? खोपड़ी कहाँ है वो? पता नहीं साहब। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जब्बू साहब। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ? कोई 3 साल हो गए साहब। 3 साल से? 3 महीने पहले यहाँ पे एक लड़की का कत्ल हुआ था, उषा चौहान नाम की लड़की का। तुम्हें मालूम है इस बारे में?
जी साहब। उसका सिर्फ शरीर मिला था लेकिन सर नहीं मिला था, सर गायब था। जी साहब। वो लड़की इसी गेस्ट हाउस में ठहरी थी? जी इसी गेस्ट हाउस में ठहरी। लड़के लड़कियों के ट्रुप के साथ आई थी? जी। जब तुम जानते हो कि ये गेस्ट हाउस खतरनाक है तो तुमने ये बात बाकी लोगों को बताई क्यों नहीं? 3 साल पहले का केस था साहब वो, अब सबको बताने लगूँ तो इस गेस्ट हाउस में कोई ठहरेगा नहीं साहब। 3 साल पहले का केस था, 3 महीने पहले का केस था? हाँ 3 महीने पहले का साहब। 3 महीने पहले का, आई सी। परसों रात को पूल पे कौन कौन गया था? पता नहीं साहब, मैं रात को उस तरफ नहीं जाता हूँ। अच्छा जग्गू, तुम इतने बड़े गेस्ट हाउस के चौकीदार हो तो कोई ना कोई हथियार तो होगा तुम्हारे पास, कोई चाकू वगैरह? नहीं साहब। पक्का चाकू नहीं? नहीं साहब। आई सी। बहुत जिंदगी देखी है तुमने, कई लड़के लड़कियाँ यहाँ पे आते हैं, तुम मुझे बता सकते हो कि ये लड़की के गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? वो बोलो बोलो, डरो नहीं। वो साहब वो लड़का है ना निंदी। निंदी? उसने। वजह? चाकू है उसके पास साहब। चाकू है? ये तुम्हें कैसे मालूम? कल उसने धमकाया था मुझे। क्यों धमकाया था उसने? मैंने सिगरेट लाने से इनकार कर दिया था। सिगरेट लाने? हाँ यादव। साहब स्विमिंग पूल के पानी का रंग लाल हो गया साहब। स्विमिंग पूल के पानी का रंग लाल हो गया? खतरे की हर चीज का रंग सुर्ख क्यों होता है?